हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम सीखेंगे 8 डेटा सिलेक्शन शॉर्टकट कीज इन एक्सेल, जो कि आपकी वर्क लाइफ बहुत ही इजी बना देंगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि वर्क कर रहे हैं एज आईटी प्रोफेशनल, या फिर जो वर्क कर रहे हैं एज एक्सेल एमआईएस प्रोफेशनल, या जो बच्चे स्टूडेंट्स है काम कर रहे हैं एक्सेल पे, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स, या फिर जो काम कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर्स, या फिर वो लोग जो एक्सेल सीख रहे हैं, एक्सेल में बिगिनर्स है, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं एज ए नॉन आईटी प्रोफेशनल्स। तो ये शॉर्टकट की सबके लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी एक्सेल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी एक्सेल में डेटा होता है, अगर वो डेटा बहुत ही बड़ा है, यानी कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ रोज या लैक्स ऑफ रोज या मिलियंस ऑफ रोज है, और बहुत सारे कॉलम्स है, 20, 40, 50 कॉलम्स, इस डेटा को हैंडल करने के लिए आपको शॉर्टकट कीज पता होनी ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए आप सबको पता है, इट इज यूज टू सिलेक्ट ऑल यूज्ड सेल्स इन द स्प्रेडशीट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सबसेट ऑफ डेटा लिया है ताकि आपको इन अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो जाए। तो जो भी डेटा यूज हुआ है, यानी कि जो भी सेल्स यूज हुए, जिस सेल्स में डेटा है, अगर वही आपको सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेटा में आप किसी भी सेल पे, किसी भी यूज्ड सेल पे क्लिक करिए, किसी भी नॉन ब्लैंक सेल पे यूज करिए और कंट्रोल ए प्रेस करिए। तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डेटा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉपी करना है, कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करना है, कुछ स्टाइल चेंज करना है, तो पूरे के डेटा को एक ही बार में आप कर सकते हैं। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे, किसी ब्लैंक सेल में क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, डेटा तो सिलेक्ट होगा पर आपका पूरा स्प्रेडशीट विथ नॉन ब्लैंक और ब्लैंक सेल्स पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपको केयर लेनी है कि आपको कौन सा डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये होगा पहला सिनेरियो। तो अगर हम सेकंड सिनेरियो में जाते हैं, जहाँ पे आपके पास दो टेबल्स है और इन दोनों टेबल को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले टेबल में किसी नॉन ब्लैंक सेल पे क्लिक करूंगा, फिर कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, तो सिर्फ वही टेबल्स के सेल सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। अगर आपके इसको भी सिलेक्ट करना है तो फिर कंट्रोल ए फिर से आपको प्रेस करना है दो बार, राइट। तो पूरा का पूरा जो शीट है वो सिलेक्ट हो जाएगा दोनों टेबल के साथ, ब्लैंक और नॉन ब्लैंक सेल्स, राइट। तो यह था कंट्रोल ए यूज। सो हमारा सेकंड शॉर्टकट की है गाइज कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या करता है गाइज, इट इज यूज टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम। सो लेट्स से हमें डी कॉलम को एंटायरली सिलेक्ट करना है, तो डी कॉलम में किसी भी सेल पे आप क्लिक करिए, फिर कंट्रोल प्लस स्पेस बार कीबोर्ड पे प्रेस करिए, तो ये पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर इस कॉलम को आपको रिपोजिशन करना है तो शिफ्ट दबा के आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको रिपोजिशन भी कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये हो गया कंट्रोल प्लस स्पेस बार का शॉर्टकट, राइट। सो हमारे पास शिफ्ट प्लस स्पेस बार, राइट। सो ये क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का वाइस वर्सा है, मतलब ये क्या करेगा, एंटायर रो को सिलेक्ट करेगा। लेट से हमें क्या करना है, सेवेंथ रो को सिलेक्ट करना है, तो सेवेंथ रो में आप किसी भी सेल पे क्लिक करिए, फिर आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार अपने कीबोर्ड पे प्रेस करिए, तो ये पूरा का पूरा कॉलम, सॉरी पूरा का पूरा रो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो सेम कॉलम की तरह अगर आपको इसको रिपोजिशन करना है तो शिफ्ट दबा के रिपोजिशन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर किसी रो को इंसर्ट करना है ऊपर तो यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है गाइज। ये हो गया हमारा थर्ड शॉर्टकट की। सो लेट्स मूव टू आवर फोर्थ शॉर्टकट की इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो कीज, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। लेट से आपको क्या करना है, तो कंट्रोल स्पेस बार और शिफ्ट स्पेस बार क्या करता है कि एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करता है, राइट। पर हमें क्या करना है, जहां तक डेटा है वहां तक ही अगर सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की का इस्तेमाल करेंगे। लेट से हमें फोर्थ रो, जहां तक डेटा हमने टाइप किया है उस सेल तक ही सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्रेस करेंगे, तो जहां तक डेटा है वही तक ही सिलेक्ट हो जाएगा। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, हमें क्या करना है, इस रो का हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कलर, फिल कलर चेंज करना है। तो अगर या आप क्या करेंगे, अगर शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से अगर कलर चेंज करेंगे तो ये पूरे के पूरे रो का चेंज हो जाएगा। पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो की, और फिर हम फिल कलर में जाएंगे, अगर जो चाहिए हमें कलर वहां से ले लेंगे, राइट। सो ये हो गया कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की टू सिलेक्ट एंटायर रो जहां तक डेटा है। अगर हमें कॉलम का सिलेक्ट करना है, लेट से हम कस्टमर नेम का पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डेटा जहां तक डेटा है वहां तक का सेल्स हम सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ, ठीक है गाइज। पर इसका ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूँ,
लेट्स से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक है और यहाँ पे एक ब्लैंक सेल है और हमें पूरा का पूरा ये कॉलम सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, तो इट इज सिलेक्टिंग ओनली अप टू द लास्ट सेल बिफोर द ब्लैंक, राइट, मतलब ब्लैंक के पीछे तक का, यानी कि पहले तक का सेल तक ही सिलेक्ट करेंगे। तो हमें अगर पूरा करना है फिर से हमें कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर से यहाँ तक क्या करेगा, फिर से ब्लैंक सेल आ रहा है तो फिर से यहाँ तक सिलेक्ट करेगा, फिर से हमें दो बार ये प्रेस करना पड़ता है। ठीक है गाइज, तो आपको ध्यान देना है कि आपके डेटा में ब्लैंक सेल्स नहीं है, अगर है तो आपको ये दो या तीन बार एक्स्ट्रा में प्रेस करना पड़ेगा, रो में हो या कॉलम में हो। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा फोर्थ शॉर्टकट की। सो अवर नेक्स्ट शॉर्टकट की इज शिफ्ट प्लस एरो की। सो दिस इज यूज टू सिलेक्ट द रेंज बिफोर स्टॉपिंग द की प्रेसिंग, राइट, मतलब हम लेट से हम कुछ सिलेक्टिव डेटा ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है तब जब लेट से हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि शिफ्ट प्लस राइट एरो दबा रहा हूं, तो क्या होगा कि एक एक सेल को ये सिलेक्ट करते जा रहा है। तो ये कहाँ पे यूज होता है गाइज, अगर आप किसी भी डेटा एंट्री को चेक कर रहे हैं, लेट से हम इस रो में अगर डेटा एंट्री चेक हो रही है अच्छे से, डेटा एंट्री रॉन्ग तो नहीं हुई है, कुछ स्पेल मिस्टेक तो नहीं है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे इसको चेक कर सकते हैं। उसी तरह हम शिफ्ट डाउन एरो अगर प्रेस करते हैं तो एक एक एंट्री उस पर्टिकुलर कॉलम का हम चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा शिफ्ट प्लस एरो कीज। सो अवर नेक्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस होम की, राइट। सो कंट्रोल प्लस होम की क्या करता है गाइज, इट इज यूज टू मूव टू योर फर्स्ट सेल ऑफ द शीट, राइट, मतलब अगर आप किसी भी जो कि सेल में क्लिक कर रहे हैं, लेट से आप ये वाले सेल में काम कर रहे हैं, राइट, यानी कि P7052, यानी कि बहुत सारे डेटा को नीचे आने तक आप काम कर रहे हैं और आपको पहले सेल पे क्लिक करना है, तो हम माउस का यूज ना करके हम कैसे करेंगे, सिर्फ आपको प्रेस करना है कंट्रोल होम, तो ऑटोमेटिकली आप पहले सेल पे आ जाएंगे, राइट। सो इट इज गो टू होम, राइट, इन दैट पर्टिकुलर शीट इट इज यूज एज अ शॉर्टकट की। कहीं पे भी आप डेटा में हो या नॉन ब्लैंक सेल में हो या ब्लैंक सेल में, कंट्रोल होम दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप पहले सेल में जाएंगे। ठीक है गाइज, ये हो गया शॉर्टकट हमारा कंट्रोल प्लस होम, जो कि है पहले सेल में जाने के लिए, यानी कि पहले A1 सेल में जाने के लिए, राइट। सो आवर नेक्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस एरो की। सो दिस इज यूज टू स्क्रोल और मूव टू स्टार्ट एंड एंड ऑफ ईच रेंज इन पर्टिकुलर कॉलम और रो बिफोर स्टॉपिंग, राइट, मतलब ये क्या करता है कि डेटा को सिलेक्ट नहीं करता है, हमें सिर्फ रेंज बताता है कि हमारा डेटा कहाँ तक है। ठीक है, लेट्स से मतलब हम क्या करेंगे, पहले सेकंड A2 में क्लिक करेंगे और हमें देखना है कि कौन से कॉलम तक हमारा डेटा है, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करेंगे, तो यानी क्या करेंगे लास्ट सेल में जाएगा उस पर्टिकुलर रो के, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ तक डेटा है, किस कॉलम तक डेटा है, राइट। सो लेट से हम इस पर्टिकुलर सी कॉलम का हमें क्या करना है कि एंट्री कहाँ तक हुई है, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम का इस सेल तक एंट्री हुई है, यानी कि 30 रो तक सी कॉलम के एंट्री हुई है, राइट। सो इट इज यूज टू सी रेंज। आवर नेक्स्ट शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम की। सो दिस इज यूज टू एक्सटेंड द सिलेक्शन टू बिगिनिंग ऑफ वर्कशीट, राइट। होम की क्या करती है, हमें होम तो को लेके जाती है, मतलब A1 सेल को लेके जाती है। सो ये थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, ध्यान से देखिए। सो लेट से हमें क्या करना है कि यहाँ तक का ही डेटा सिलेक्ट करना है, राइट, सबसेट ऑफ डेटा सिलेक्ट करना है, यानी कि क्या है लास्ट सेल कौन सा है हमारा G24, यानी कि महाराष्ट्र का डेटा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लास्ट वाले सेल में क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट कंट्रोल होम पे क्लिक करेंगे, मतलब क्या करेगा यहां से लेकर तक होम तक का पूरा डेटा सिलेक्ट करेगा डायगोनली, उस रो का और उस कॉलम का पूरा डेटा ये सिलेक्ट करेगा, राइट। सो ये हुआ सबसेट ऑफ डेटा, अगर आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है या सिलेक्ट करना है, उसमें फॉर्मेटिंग करना है, तो ये शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। सो ये थे गाइज 8 शॉर्टकट कीज फॉर डेटा सिलेक्शन। अगर इससे अलग आपको कुछ शॉर्टकट कीज पता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू गाइज।